अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं रियाज साहब और आप सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको यहां वेलकम करता हूं पीएससी कैलम में। मैं बहुत खुश हूं कि रियाज साहब का जो विजन है मैं इससे बिल्कुल मुतासिर हूं। उन्होंने एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आज कैलम एरिया को यहां मतलब अपने पीआरआई फंड्स में से डोनेट की है, तो इसका मैं बहुत वेलकम करता हूं। अच्छा सर, अगर देखेंगे ग्राउंड लेवल पे मैंने लोगों से बार बात की है, वो समझते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, खासकर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट यहाँ होना ज़रूरी है। इसके हवाले से आपका क्या कहना है सर? नहीं, डॉक्टरों की बिल्कुल कमी नहीं है। जितने भी पोस्ट्स यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन है वो ऑलरेडी मतलब यहाँ 3 डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और चौथा डॉक्टर भी मैंने रिसेंटली यहाँ भेजा है। तो इसके अलावा डेंटल सर्जन भी आपके सामने बैठा है, डेंटल टेक्नीशियन भी मैंने लाया है यहाँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था तो मैंने वापस उसको यहाँ लाया है। तो मतलब डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन लोग एक शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है। एक्चुअली यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का पोस्ट नहीं होता है पीएससी में, लेकिन पहले यहाँ एक लेडी डॉक्टर पोस्टेड थी मेडिकल ऑफिसर, वो ट्रांसफ़र होने की वजह से लोगों को लग रहा है कि यहाँ मतलब लेडी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, लास्ट में मेरा एक सवाल आएगा सर, अगर देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग को अभी रिपेयरमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, इसको आपके डिपार्टमेंट के हवाले से मतलब ये रिपेयरमेंट तकरीबन कब तक इसमें हो सकती है? इसमें बदकिस्मती से कोविड की वजह से मतलब ये काम रुका पड़ा है। यहाँ पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत मैं 7 लाख आई थी, जो रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए हमने जो वीडियो को दिए थे, तो लेकिन कोविड की वजह से कुछ मतलब टेक्निकल खामियों की वजह से वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हमने अब दोबारा लेटर लिखी है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है जल्दी वो काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक। उसके अलावा मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस एम्बुलेंस के अलावा रियाज साहब ने यहाँ एक CBC एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे भी डोनेट किया है अपने फंड से। तो यहाँ ये चीज़ें लगाने से यहाँ हॉस्पिटल में कामकाज भी बढ़ा, लोगों को ज़्यादा खदमत बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, चाहे वो लैब के हवाले से हो या एक्सरे के हवाले से हो, और अब ये एम्बुलेंस आने की वजह से भी इसमें बूस्ट। ओके, थैंक यू सर। इस चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और सरकार के जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। मेरा इसमें यही कहना है कि जिस हिसाब से हमने कदम उठाया या सरकार ने कदम उठाया, जो DDC काउंसिल का इन्होंने इलेक्शन किया 3-tier सिस्टम का, तो उससे लोगों को एक फ़ायदा हुआ कि आज तक हमें एक तड़प थी कि क्रिटिकल एम्बुलेंस होगी क्या कभी कैलम में। हमें ये नहीं है कि इस पे हमारा नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन हमें इस चीज़ से है कि साल में अगर हमारा एक हार्ट पेशेंट बच जाता है तो हमारी कब्र उसी से आबाद हो जाएगी। मुद्दा और मकसद यह है कि हेल्थ और एजुकेशन, अगर हमें यूथ को नशे से दूर रखना है तो ये दो चीज़ हमारे पास, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एक एजुकेशन में, दूसरे हेल्थ सेक्टर में। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है कि अगर कोई गलत दवा आपने दी, कोई जिसमें ड्रग्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसकी वजह से उस बच्चे को आदत हो जाती है। तो जहाँ पर हमारा अच्छा एक मेडिकल ऑफिसर हो, अच्छा डॉक्टर हो और अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पर सुविधा अवेलेबल हो, तो हमें लगता है कि हम बच्चा अगर कोई ड्रग्स करता भी है उसको भी हम दूर रख सकते हैं उस चीज़ से। दूसरी बात एजुकेशन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसको हेल्थ केयर के लिए भी मतलब सुविधा मिल रही है और उसकी वजह से हम उसको सपोर्ट्स एक्टिविटी में भी आगे बढ़ाएंगे, तो इन चीज़ों पर हम कदम उठाते रहेंगे। हम नहीं रुकेंगे ना किसी के कहने पर और ना किसी के बोलने पर। हम कोशिश करेंगे इस अस्पताल को जिस तरह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हैं उसी तरह हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ये ज़मीन दी और यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। मैं वो ये भी नहीं कहूँगा उन्होंने काम नहीं किया,
उन्होंने भी जब काम किया तभी आज हमने एम्बुलेंस दी, तभी कल को हम कोई और चीज़ भी देंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा क्योंकि हेल्थ एजुकेशन और युवाओं के सपोर्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो हमारा कश्मीर किसी भी जगह गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, किसी भी जगह गलत एक्टिविटी में नहीं जाएगा और हम फिजिकली भी फिट रहेंगे, हमारा जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा और हमारी माँ बहन या भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर दीवार का काम अभी चल रहा है। इसके बाद मैंने देखा कि अस्पताल की जो अंदर की कंडीशन है वो भी ख़राब है। नए साल में हम इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे और मैंने इनको वादा किया कि जो आपका ट्रांसफार्म की प्रॉब्लम है यहाँ पर जो लेवल वन का लगा हुआ है वो बार बार जल जाता है, तो अगले साल ये लेवल टू का 100 kV नया लगेगा यहाँ पर। खुद तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, सरकार को एक अपील कर सकता हूँ कि हमारी जो इकनॉमी है वो इसी फ्रूट से चल रही है, सेब से चल रही है। अगर आपको रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मगल रोड खोल दीजिए इनके लिए, ये ना हो कि कश्मीर उस रास्ते पे चले जाए जिससे हम फिर इसको वापस नहीं ला पाएंगे, कश्मीर वहाँ चले जाए जहाँ से हम इनको वापस नहीं ला पाएंगे। अगर मैंने कल देखा एक मंडी में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो सेब जला रहे थे, वो सेब नहीं जल रहा था, वो हमारा दिल जल रहा था उस टाइम, क्योंकि इसमें सरकार को एक्शन करना चाहिए। मैं इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं डायरेक्ट सेंटर से भी अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कश्मीर अच्छी पटरी पे आए, अच्छे रास्ते पे चले, हमारा युवा अच्छे रास्ते पे जाए, अच्छी पटरी पे जाए और हिंदुस्तान का नाम बुलंद करे, तो आपको इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए। 4-4 दिन हमारी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, ये ना हो कि कल को हम भी मजबूर हो जाए, हम भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, अगेंस्ट LG एडमिनिस्ट्रेशन।